दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज दौरे के लिए जैसे ही धोनी को कोच बनाया गया, वैसे ही उनका जलवा दिखना भी शुरू हो गया है। जहां धोनी के सानिध्य में तिलक ने बल्ले से लगाई है दहाड़, वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा कोहराम, थर थर कांप उठी वेस्टइंडीज की धरती, तो उनका साथ निभाते हुए जायसवाल के बल्ले ने भी एक नया इतिहास लिखा। तो आखिर कैसे टीम इंडिया के दोनों उभरते सितारों ने वेस्टइंडीज की श्यामत ला दी, कितने चौके छक्के बरसाए दोनों ने मिलकर, उनके स्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, तिलक वर्मा और जायसवाल में कौन सबसे घातक बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत के वेस्टइंडीज दौरे के लिए पूरी दुनिया उत्साहित है, जिसके लिए दिन ब दिन रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। जहां दो टेस्ट मैचों के साथ 3 वनडे और 5 T20 मैचों की रोमांचक सीरीज होने वाली है, इसके लिए BCCI ने कमर कस ली है। जहां T20 के लिए भी भारतीय स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, जिसमें यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को अपना जौहर दिखाने का मौका गया है। और इसमें मौके पर खरा उतरते हुए वेस्टइंडीज की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने पहले ही मैच में अपने बल्ले से धमाल मचा दिया। जी हां, आपको बता दें, नई टीम के साथ कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को वेस्टइंडीज दौरे पर कोच बनाकर युवा सितारों के साथ भेजा गया है और उन्होंने अपना जलवा दिखाना भी शुरू कर दिया। जहां धोनी का साथ पाते ही पहले ही मुकाबले में भारत के यंगिस्तान ने तबाही मचा दी। यशस्वी जायसवाल का बखूबी साथ निभाया तिलक वर्मा ने। इन दोनों उभरते हुए सितारों ने अकेले ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की श्यामत ला दी थी। जहां जायसवाल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में आते ही कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की, तो तिलक ने भी विकेट के सामने तीर की तरह सीधा चौका जड़कर इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की। बस फिर क्या था, इन दोनों को शुरुआत मिल चुकी थी, इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। दोस्तों, यशस्वी तो एक बार फिर कलाई के जादूगर स्पिन गेंदबाज के सामने ही आते उनके यमराज बन गए। गेंद लेकर आए थे अकील हुसैन, उनके कंधों पर विकेट चटकाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन जायसवाल गेंदबाजों पर कहां रहम करते हैं। उनका स्वागत ही यशस्वी ने मैदान के ऊपर से 90 मीटर लंबे छक्के से किया था, तो दूसरे ओवर में उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 खौफनाक छक्के और एक बेहतरीन चौके की बदौलत 27 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो दूसरे छोर पर खड़े तिलक वर्मा से लेकर रोहित कोहली भी दंग रह गए थे। इसी के साथ यशस्वी ने केवल 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और अपने पहले इंटरनेशनल मैच में ही उन्होंने अपने खौफनाक बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। एक तरफ से जायसवाल गेंदबाजों की श्यामत ला रहे थे, तो दोस्तों दूसरी तरफ से टीम इंडिया के लिए तिलक वर्मा भी उनके लिए काल का दूसरा नाम बने हुए थे। दोनों छोरों से वेस्टइंडीज के खूब पिटाई हो रही थी, गेंदबाज तो रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। किसी पर भी ये दोनों बल्लेबाज रहम करने के लिए तैयार नहीं थे। रफ्तार के सौदागर अल्जारी जोसेफ के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का बटोरकर तिलक ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी के साथ उन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पुरन की हालत बद से बदतर हो रही थी, वो सोच रहे थे कैसे इन दोनों खिलाड़ियों को रोका जाए, लेकिन इन्होंने अकेले वेस्टइंडीज के सभी इरादों पर पानी फेर दिया। जी हाँ दोस्तों, अपने पहले ही मैच में जायसवाल बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। जोसेफ से लेकर जेसन होल्डर, अकील हुसैन सभी गेंदबाजों पर ये दोनों कहर बनकर टूट पड़े थे। नतीजा ये हुआ कि जायसवाल 96 के स्कोर पर पहुंच गए। उनको अपना शतक पूरा करने में केवल एक बड़ा हिट चाहिए था, वो इतिहास लिखने के काफी करीब थे, लेकिन बदकिस्मती से वो यहाँ जल्दीबाजी कर बैठे और जेसन होल्डर के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में उनका बाउंड्री पर आसान सा कैच निकोलस पुरन ने ले लिया था और इस बल्लेबाज को वापस लौटना पड़ा। लेकिन वेस्टइंडीज की खुशियों का तिलक वर्मा ने ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया, उन्होंने अपने खौफनाक बल्लेबाजी जारी रखी। जो यहाँ दोस्तों, आखिरकार तिलक ने जायसवाल के विकेटों का बदला लेते हुए केवल 40 गेंदों पर अपना खौफनाक शतक पूरा किया, वो भी गेंद को स्टेडियम के बाहर मारकर। उनका वो अद्भुत छक्का देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। वहीं दोनों सितारों ने अकेले दम पर ही वेस्टइंडीज को घुटनों पर ला दिया था। अपनी इस पारी के दौरान तिलक ने 9 घातक छक्के लगाए थे, तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने 8 खौफनाक छक्के और 5 चौके से अपनी पारी को सजाया था। इन दोनों की अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो भारतीय फैंस की खुशियां सातवें आसमान पर हैं। हालांकि दोस्तों, ये केवल अभ्यास मैच की कहानी थी, लेकिन इससे अंदाजा ही लग जाता है कि तबाही का मंजर जब प्रैक्टिस में ही इस कदर आया तो असली मुकाबले में क्या ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल में से कौन वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगा पाएगा? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए।